भारी विरोध और प्रदर्शन के बाद अब बस स्टैंड हमीरपुर के सामने स्थित खोखा मार्केट को हटाया जाएगा, जिससे यहां पर जाम की समस्या का समाधान संभव हो सकेगा। प्रशासन ने शहर के सौंदर्यीकरण का 10 साल पहले जो सपना देखा था, अब साकार होने जा रहा है। इसी हफ्ते बस स्टैंड के बाहर सड़क किनारे से सभी खोखाधारकों को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में निर्मित पक्के दुकानों में शिफ्ट किया जाएगा। भारी विरोध और प्रदर्शन के बाद अब आखिरकार बस स्टैंड हमीरपुर के सामने स्थित खोखा मार्केट को हटाया जाएगा, जिससे यहां पर जाम की समस्या का समाधान संभव हो सकेगा। प्रशासन ने शहर के सौंदर्यीकरण का 10 साल पहले जो सपना देखा था, वह अब साकार होने जा रहा है। इसी हफ्ते बस स्टैंड के बाहर सड़क किनारे से सभी खोखा धारकों को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में निर्मित पक्की दुकानों में शिफ्ट किया जाएगा। मंगलवार को कॉम्प्लेक्स में दुकानों के लिए आवेदन करने का अंतिम दिन था, लेकिन 58 दुकानों में से अभी तक लगभग 40 दुकानदारों ने इसके लिए आवेदन किया है। हालांकि मंगलवार के बाद आवेदन भी कार्य नहीं होगा, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि प्रशासन तिथि को आगे बढ़ा सकता है। डीसी हमीरपुर हरिकेश मीणा ने कहा कि मंगलवार शाम तक आवेदन करने की अंतिम तिथि थी। 30 से अधिक आवेदन मिल चुके हैं। उम्मीद है कि बाकी पात्र व्यक्ति भी इसके लिए आवेदन कर देंगे। इसके बारे में जरूरी दिशा निर्देश स्थानीय एसडीएम को दिए गए हैं। कल 30 के आसपास आवेदन आए थे, 30 एग्जैक्टली। उसमें कुछ रिव्यू कर रहे हैं कि डबल तो मतलब चेक कर रहे हैं कि उसमें डबल तो नहीं है कुछ की सेम एप्लीकेंट के। और आज लास्ट डेट है इवनिंग तक 5 बजे तक, तो वी आर एक्सपेक्टिंग रिमेनिंग जो भी एलिजिबल है वो अप्लाई करेंगे। आउट ऑफ 58 में से कुछ सबलेटिंग के हैं, तो उसको पब्लिक प्रीमाइसेज एक्ट में भी टेकअप करने के लिए बोला है एसटीएम को। तो वी आर होपफुल कि हम लोग 100% इसे मूव कर पाएंगे। आपको बता दें कि पक्की दुकानों के लिए आवेदन न करने की जीत पर अड़े कुछ खोखा धारक घाटे में रहेंगे, क्योंकि खोखो पर बुलडोजर चलने के बाद उन्हें आने वाले समय में दिक्कतें पेश आ सकती हैं। प्रदेश सरकार की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद जिला प्रशासन की खोखा हटाओ मुहिम ने गति पकड़ ली है। माना जा रहा है कि अगले 2-3 दिन में सभी खोखे हटा दिए जाएंगे। जिला प्रशासन ने वर्ष 2011 में हमीरपुर बाल स्कूल के खेल मैदान के साथ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया था। इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में करीब 120 दुकानें हैं। इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण करने का मकसद बस स्टैंड के बाहर सड़क किनारे से खोखा धारकों को पक्की दुकानों में शिफ्ट करना है, लेकिन पूर्व में ढुलमुल रवैये के चलते पक्की दुकानों में खोखा धारकों को शिफ्ट नहीं किया जा सका। वर्तमान में जहां पर खोखे बने हैं वे भूमि लोक निर्माण विभाग और पर्यटन विभाग की है। साथ ही बस स्टैंड के बाहर इन खोखों की वजह से आए दिन यातायात बाधित होता है। कई लोगों की यहां पर सड़क क्रॉस करते समय जान तक जा चुकी है। कानूनी तौर पर खोखों को सरकारी भूमि पर यथावत नहीं रखा जा सकता, इसके चलते अब प्रशासन इन्हें पक्की दुकानों में शिफ्ट करने जा रहा है। कार्यक्रम में वक्त चला, ब्रेक का ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।